हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर ऑल इन वन आर्मी यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आई होप फ्रेंड्स आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आपके सामने एक बार फिर से मैं यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ। तो आज के वीडियो में हम फ्रेंड्स कुमकुम कैसे बनाएं, मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये होममेड हल्दी लिए, इसी से हम कुमकुम बनाएंगे और कुमकुम हमें डेली में यूज आता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और आप देखिए मैं आपको किस तरह से कुछ ही मिनटों में कुमकुम बना के बता देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये होममेड हल्दी है, हम इससे कुमकुम बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने एक प्लेट ली है, अब इसमें हम 4 स्पून हल्दी ले लेंगे। ये मैंने होममेड हल्दी ली है फ्रेंड्स, आप इसमें कोई भी हल्दी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम जब बाजार से कुमकुम लाते हैं तो उससे हमारी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, खुजली हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो हम होममेड ही, मैं घर में जब भी बनाती हूँ कुमकुम तो घर की बनाई हुई यूज में लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आपके सामने भी एक वीडियो शेयर कर देती हूँ कुमकुम का। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहिए। अब फ्रेंड्स, मैं ये देखिए, ये आपको इजीली चूना मार्केट में मिल जाएगा, ये 2 रुपए का पैकेट आता है। तो इसको मैं थोड़े से पानी में घोल के और फिर इसमें डालूंगी। ये देखिए, हल्दी में चूने पानी डालते ही हल्दी का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड करेंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये देखिए इसका कुमकुम बिल्कुल ये अच्छा सा बनके रेडी होएगा। और ये देखिए हल्दी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है, मिक्स किया है हमने इसको अच्छे से। और फ्रेंड्स, हमें मार्केट में हल्दी वाला कुमकुम नहीं मिलता है, इसलिए हम घर पे ही ये विदाउट केमिकल के हम कुमकुम रेडी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अब हम इसे कुछ टाइम के लिए, आधे 1 घंटे के लिए हम इसे धूप में रखेंगे, नहीं तो आप पंखे की हवा में रूम में भी रख सकते हैं। तो मैं आपको फिर बताती हूँ इसको रेडी करके। ये देखिए, धूप में रखने के बाद इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए थोड़ा थोड़ा हमें कुमकुम बहुत सी जगह से ऐसे मोटा मोटा सा दिख रहा है। तो इसके लिए ये देखिए फ्रेंड्स, हम या तो इसको छलनी से छान लेंगे, नहीं तो हम मिक्सी में इसका महीन पाउडर कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अभी हम रेडी कर लेते हैं इसको। ये देखिए मैंने इसका महीन पाउडर बना लिया है और ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, इस तरह की हमारी कुमकुम ये बनके रेडी हुई है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें ये देखिए प्लेट में आपको बताती हूँ कि किस तरह का इसका कलर है और आपको ये किस तरह की बनके रेडी हुई है। और फ्रेंड्स, आप भी इसे ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें थोड़ी सी ये कुमकुम ली है और इसमें पानी ऐड करूंगी मैं। ये देखिए होममेड कुमकुम का कितना अच्छा कलर आया है। और ये देखिए, तिलक लगाने के लिए बिल्कुल ये कुमकुम बनके रेडी हो गई। और फ्रेंड्स, ये देखिए हमने कुछ ही टाइम में कितना अच्छा कुमकुम, होममेड कुमकुम घर पे रेडी कर लिया। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, आप भी इसे कर सकते हैं, आपको मार्केट वाली लाने की जरूरत नहीं रहेगी। और फ्रेंड्स, इसी तरह से आप मेरे अगर और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो पे बताएं कि आपको मेरा ये बनाया हुआ आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो पे एक लाइक करें, जिससे मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेट होती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप मेरा साथ बनाए रखिए और वीडियो पे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तब तक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।